अभी जो है झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहा है जी, क्या कहेंगे आप? हमको लगता है कि हम लोगों को प्रत्याशियों के चयन में सावधानी बरतनी चाहिए और ध्यान ईश्वर देना चाहिए कि सिर्फ जनप्रतिनिधि ही नहीं, एक ऐसे सरकार का निर्माण किया जाए जो अच्छी नीतियों को बनाए और उनको लागू करे, क्योंकि सिर्फ क्षेत्रीय प्रतिनिधि को चुन देने से उनके सीमित अधिकार के आधार पर हम नीतियों का निर्धारण नहीं कर सकते। जैसे हमारे विधायक किसी भी पार्टी के हों, अगर उनकी सरकार नहीं बनती है तो उनके अधिकार इतने सीमित होते हैं कि वो विपक्ष में बैठकर अपनी आवाज़ को बुलंदी से उठाएंगे। झारखंड में जो है दो दो गठबंधन, जी जी, एक भाजपा की गठबंधन, जी जी, और एक जो है जेएमएम का गठबंधन, जी, क्या कहें? मेरा मत है कि फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बननी चाहिए, क्योंकि उसने कुछ काम तो सही तरीके से कांग्रेस ने नहीं काम किया क्या? जी काम सभी ने किया, लेकिन तुलनात्मक रूप से, चूंकि गठबंधन उनका झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है और झारखंड मुक्ति मोर्चा 43 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो संभावना है कि वो अन्य दलों को मिलाकर जो गठबंधन सरकार बनाएगी उसके लिए उसे न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू। सीधा आपसे सवाल है, यहाँ पे जो है राम मंदिर निर्माण को लेकर झारखंड में जो है केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार दोनों डबल इंजन की बात करें, क्या कहेंगे उस मुद्दा से कितना वोट मिल सकता है? देखिए, जहाँ तक राम मंदिर का मामला है, ये मामला भाजपा का नहीं था, ये न्यायालय का मामला है, न्यायालय निष्पक्ष फैसला दी है उसको हम लोग मान रहे हैं। हम नहीं समझते हैं कि उन पर इनको वोट भी मिलेगा। क्या आपको लगता है वोट की, लेकिन पूरी पुरजोर तरीका कोशिश कर रहे हैं, वैसे भी लोग हैं जो सांप्रदायिकता फैला के वोट लेना चाहते हैं, ले। आप भी तो एक वोटर हैं, क्या कहेंगे? हम तो यही चाहेंगे कि यहाँ का जनप्रतिनिधि जो भी हो, स्थानीय हो, और पहले ये जो महामिलावटी बन रहा है इसका हम विरोध करते हैं। देखिए, आपका जो है सरकार अभी झामुमो का जो है झारखंड में गठबंधन किए हुए और बीजेपी भी गठबंधन किए हुए, क्या कहेंगे कि आप आम नागरिक? निश्चित तौर से देखिए, झारखंड की जो माटी की जो पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये गठबंधन नहीं कि यहाँ के लोगों को मिला करके साथ में चलने का, कि सभी का भागीदारी है और लोग आप आएँ और मिलजुल के हमारे साथ चलें। निश्चित तौर से बीजेपी भी तो गठबंधन किए हुए है जी, क्या कहेंगे? बीजेपी गठबंधन किए हुए है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि वहाँ पे उनकी कुछ सोच कोई के साथ गठबंधन किए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो गठबंधन की है, आप एक आम नागरिक हैं, वोट कैसे करेंगे? वोट तो निश्चित तौर से हम अपने झारखंड की जो पार्टी है, हमारा जो क्षेत्रीय पार्टी है, चूँकि वो यहाँ की वातावरण को, वस्तु स्थिति को समझ सकती है क्षेत्रीय पार्टी, और निश्चित तौर से हमारे राज्य के बारे में जो सोच सकती है उसी को हम आगे बढ़ते हैं। आपसे हमारा सीधा सवाल है, यहाँ की मुख्य मुद्दा क्या है? यहाँ पूरे झारखंड में भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर है, और अफसरशाही और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जिसके चलते यहाँ की जनता इस भ्रष्टाचार सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी, उसमें हम भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? विकास सिंह कुशवाहा। युवा आप हैं, क्या कहेंगे? यहाँ शिक्षा के बारे में आप कुछ बताइए। यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था बहुत ही ठप है, सिर्फ प्राइवेटेशन पे फोकस किया जा रहा है, सरकारी स्कूल पे, कॉलेज पे इस पर फोकस नहीं हो रहा है। प्राइवेटेशन बढ़ रहा है, सरकारी नहीं बढ़ रहा है। शिक्षा यहाँ पे बहुत ही कम है, और ये नेता लोग युवा को शिक्षित होने नहीं दे रहे हैं ताकि उन पे राज करे, उन लोग के पढ़ने लिखने नहीं दे रहे हैं, इसमें बाधा डाल रहे हैं। स्कॉलरशिप इससे पहले मिलता था 60,000, मैंने पूरा स्कॉलरशिप मिलता था टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए, अब आज जो 30,000 से 28,000 हो चुका है। और हमारा है सीधा आपसे, झारखंड में 5 साल बीजेपी की सरकार चली, ठीक है, केंद्र में भी उसकी सरकार है बीजेपी का, इसके पूर्व भी कांग्रेस की सरकार है, यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं आपके जिला के हैं जी, तो सीधा आप क्या कहेंगे शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में? देखिए, स्वास्थ्य का मंत्री मेरा गढ़वा जिला का जिस दिन बने मुझे गर्व महसूस हुआ, लेकिन इनका पाँच साल का कार्यकाल देख के मैं हतप्रभ हूँ कि जहाँ का जिला का स्वास्थ्य मंत्री हो और यहाँ का शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी खराब हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और युवा हैं हमारे साथ में, आप बताइए क्या कहेंगे आपकी? सबसे पहला हम ये बताना चाहेंगे कि बीजेपी का गठबंधन नहीं है झारखंड में, इसमें जेएमएम, कांग्रेस, राजद सब एक साथ मिल करके लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी गठबंधन से चुनाव नहीं लड़ रही है। आज सू था पहले, वो भी अलग हो गया,